शांति। आज की तारीख है 27/2/19 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा, हम बच्चों की चढ़ती कला के लिए, हम बच्चों की स्व उन्नति के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार से पुरुषार्थ करने की युक्तियां सुनाते रहते हैं। तो आज फिर से हमें मीठे मीठे बाप दादा ऐसी ही एक युक्ति सुनाते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है और देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न है, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? कौन सा वो गुण या शक्ति की उसमें कमी रह जाती है जो वो पहले आते वो बाद में आते? उत्तर है, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वो शांति 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 मांगेंगे। बेहद के बाप से तो सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है, तो सुख भी चाहिए तो शांति भी चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, कर्म तो करना ही है, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का न हो जो बाप की याद ही भूल जाए। पैसा कमाना है, धंधा करना है, इसीलिए उसको वृद्धि को प्राप्त कराना है, ये सब सोचने से बाबा कहते हैं बाप की याद कहीं ना कहीं भूलते रहेंगे। अच्छा, नंबर दो है, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की ही महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सब से मोह निकाल देना है। वरदान है सतगुरु बाबा का, नॉलेज की लाइट और माइट से, नॉलेज की लाइट और माइट से रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा ने हमें ये भी एक विशेषता संगम युग पर वरदान की दे दी कि हम बच्चे नॉलेज के आधार पर स्वयं का परिवर्तन तो करते ही हैं, परंतु हम औरों का भी परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज के लिए कहते हैं नॉलेज इज लाइट और माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रॉन्ग समझने वाले रॉन्ग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत नहीं हो सकते। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि होना तो वही है जो ड्रामा में निर्मित है या ड्रामा में लिखा हुआ है।
तो बाबा कहते कभी वो ये नहीं कह सकते कि ऐसा ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन उनके पास रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति है। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।